नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी 20 कटरा लवर में। जैसे कि हम आ चुके हैं एक और नए कटरे की वीडियो बनाने के लिए कुलचाने के अंदर। आइए मिलते हैं इनके मालिक से और बात करते हैं इस कटरे के बारे में और इनका परिचय। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम जी, आप अपना परिचय दीजिए। नाम डैनी है जी, गाँव कुलचाना और साहब जिला बिजनौर रहने वाले हैं जी हम। इस कटरे के बारे में बताइए। कटरा जी, हम यो उन्ना ही लाए थे, हमारे भाई हैं एक सुमित पहलवान डगरपुर बागपत में। अच्छा, बागपत से इस कटरे को लाए हो आप? जी बागपत से लाए। अच्छा, कितना समय हो गया इस कटरे को लाओ हो? 4 महीने के आसपास हो गए जी हम लाओ हो। दोस्तों 3-4 महीने हो गए भाई साहब के पास में इस कटरे को आए हो, तो आपने इसको कहीं पट्टी वगैरह खिलाई है कहीं? पट्टी पर साहब यो जो है भगाया था गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर भगाया था आपने, तो क्या रहा इसका? फर्स्ट इनाम लाया जी कटरा। अच्छा दोस्तों, ये गाजीपुर के अंदर जो पट्टी हो रही थी उन्ने लवारे और दो दांत की, उसमें ये कुलचाना वालों का झोटा प्रथम पुरस्कार इस कटरे ने प्राप्त किया। वहां से पहला स्थान जो इसकी भाग हुई थी, किसके साथ में भाग हुई थी इसकी? इसकी भाग कई सारों के साथ हुई है जी, जैसे जो है ये थे शरीफ, ये थे दखेड़ी काले, उनके साथ हुई जी, गुलवार ढाकी के साथ हुई और साहब टीटू रसूलपुर के साथ हुई और साहब जो है एक करड़ा भिड़िया खेड़े वालों का था विकास भाई का, उनके साथ हुई, कई भाग हुई जी इसकी इसी तरीके। और फाइनल फाइनल किसके साथ में हुआ? फाइनल भाग साहब इसकी गुलबहार ढाकी के साथ हुई जी। गुलबहार ढाकी के साथ में इसकी भाग हुई थी लास्ट वाली, जिसके अंदर ये झोटा विजेता रहा। काफी सुंदर कदकाठी का झोटा, देखो कितना ऊंचाई में है दोस्तों। दो दांत हो गया? हाँ जी, दूसरे दांत हमारी आ जी अभी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाग देखने को मिली थी दोस्तों इस कटरे की। और ये भाई साहब हमें अभी भी इसकी एक भाग दिखाने के लिए लेकर जाएंगे कटरे को। चलो आइए देखते हैं कटरे की भाग। चलो जोड़ लो भाई साहब, काफ़ी सुंदर कटरा दोस्तों। ऊंचाई देख सकते हो आप कितनी ऊंचाई है कटरे की। काफ़ी शांत स्वभाव का झोटा, ये देखो दोस्तों जुड़ जाता है कटरा। और देखते हैं अभी कितना सुंदर भाग कर आएगा। आप देख सकते हो ऊंचाई कितनी अच्छी है कटरे की। कौन भगागा? कौन इसे? अच्छा, ये छोटू भाई भगाएंगे इस कटरे को अभी, क्योंकि आज इनके मलची काफी दूर हैं, इस कारण आज ये भगाएंगे कटरे को। दोस्तों ये है वो ट्रैक, जिस ट्रैक पर ये कुलचाने वालों का झोटा भागता है। बड़े भाई डैनी भाई का कटरा इस ट्रैक पर भागता है। इस ट्रैक पे इस कटरे की प्रैक्टिस चलती है और इसी पे हमें ये इस कटरे की भाग दिखाने के लिए लेकर आए हैं। काफी सुंदर भाग देखने को मिलेगी। काफी सुंदर भाग दोस्तों। और ये देखो तुरंत ही इतनी टेढ़ी मेढ़ी लीक में भी तुरंत ऐसे ही आके रुक गया है झोटा। काफी सुंदर भाग रही झोटे की। दोस्तों आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ भाग देखने के लिए आए थे। और ये हमारे सुंदर भाई, ये भी इस कटरे को छुड़वाने के लिए आए थे। दोस्तों आइए मिलते हैं इनके मलची से और पूछते हैं इनसे इस कटरे के बारे में, कैसा भागता है कटरा और कितने मीटर की ये तैयारी करा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पहले तो अपना नाम बता दीजिए भाई साहब। मेरा नाम हिरेंद्र है, वैसे तो छोटू कह देते हैं। अच्छा, गांव के अंदर? गांव के अंदर छोटू कहते हैं। अच्छा अच्छा,
बहुत बढ़िया। तो इस कटरे के बारे में बताओ आप हमें, कैसा भागता है और कितने मीटर की आप तैयारी करा रहे हो इसे? 300 मीटर की तैयारी चल रही है। अच्छा, 300 मीटर की तैयारी करा रहे हो। अच्छा मंजी हुई था इसका। अच्छा सही भाग रहा कटरा? हाँ, कटरा बढ़िया भाग। अच्छा बाहर से ही लाए थे इस कटरे को? हाँ बाहर से। अच्छा कितने दिन हो गए आपको इस कटरे को अपने पास में लाओ? इसे 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। अच्छा 3-4 महीने हो गए। वैसे कटरा शांत स्वभाव का, अच्छी लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक है कटरे की, बढ़िया। हाँ जी हाँ। जितनी टेढ़ी मेढ़ी लीक हो रही है, कटरा बिल्कुल लीक लीक में ही चला, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, तो मतलब इस बाघ से पहले गाजीपुर के अंदर जो बाघ हुई थी उससे पहले भी इसी ट्रैक पर भागता है, इसी लीक में? अच्छा जी, यही कर रहे हैं तैयारी जी, कर रहा हमारे यहाँ बतरा। अच्छा दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लीक है, और इस लीक के अंदर ये कुलचाने वालों का झोटा प्रैक्टिस में रहता है, और इसने गाजीपुर के अंदर जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो अभी वहां पर टूर्नामेंट हुआ था गाजीपुर के अंदर, दो दांत और उन्ने लवारों की जो पट्टी हुई थी उस भाग के अंदर, गाजीपुर के अंदर इस कटरे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जहां पर यह कटरा दौड़ता है आप देख सकते हो लीक किस तरीके से बनी हुई है, इधर को उधर को सीधी लीक नहीं है। और अभी आपने देखा वीडियो के अंदर इसी तरीके से कटरा जिस तरीके लीक है उसी तरीके से भाग कराया। और ये हैं इस कटरे के मालिक, आ रहे हैं भाई साहब, और इनसे पूछते हैं कटरा कैसा छूटता है जी? बड़ा ठीक छूटा है जी हमारा, बढ़िया भाग रहे हैं कटरे में, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। दोस्तों ये आ रहे हैं देखो, कटरा प्रेमी छोटे से भाई हमारे, यही इस कटरे को हिलाने झुलाने में ध्यान रखते हैं पूरा हमारी साथ साथ। ये जैसे हम वीडियो बनाने के लिए आए थे, इन्हें पता चला कि वीडियो बनाने के लिए आए हैं, तो तुरंत ही तैयार हो गए, ये अपना कहीं खेल रहे थे रास्ते में, और कटरे को लेकर खुद ही आए थे उस तांगड़ी के अंदर। आइए मिलते हैं इनसे, इनका नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? बंस। इनका नाम बंस है। कैसा भागता है कटरा? बढ़िया भागा। बढ़िया भागा है। हाँ। तुमने ही भगाया कभी? हाँ। चलो जोड़ लो कटरे को। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये डैनी भाई के छोटे भाई हैं, ये भी कटरा प्रेमी हैं, बहुत ही बड़े वाले, आप देख सकते हो दोस्तों, अच्छी कद काठी का झोटा, बहुत ही सुंदर बाघ दिखाई अभी कटरे ने। 300 मीटर के अंदर मतलब जहां भी बाघ होगी जिला बिजनौर के अंदर वहां लेकर जाओगे सर, चाहे उन्ने की हो, चाहे दो दांत की, चाहे फूल की हो। बहुत बढ़िया दोस्तों आप देख सकते हो छोटा भाई हमारा बंस इस कटरे को ले जाता हुआ घर की ओर, और काफ़ी मजे में मस्त कटरा चलता हुआ, बहुत ही मनमस्त होकर कटरा चलता हुआ घर की ओर। आप देख सकते हो किस तरीके से भूड़ के रेत में चल रहा है कटरा। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी शांति के साथ में झोटा घर की ओर आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई का कटरा है, काफी सुंदर हाइट है झोटे की, और ये छोटा भाई बंस कटरे को लेकर आता हुआ घर पे।